नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसका आपको 16 सितंबर के बाद से डेली इंतज़ार रहता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, एलडीसी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, ये दैनिक भास्कर ने अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाला है, जिसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड इसी महीने एलडीसी भर्ती 2018 का रिज़ल्ट जारी कर सकता है। दोस्तों, जिसमें उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल विश्वसनीय न्यूज़ है दोस्तों, जो दैनिक भास्कर ने डाली है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हो। मेरे सामने ये स्क्रीनशॉट है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि एलडीसी भर्ती प्रश्न पत्रों के सामान्यीकरण के बाद जारी होगा परिणाम। बोर्ड बरत रहा है सावधानी ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। ये आगे लिखा है, जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई एलडीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी महीने तक जारी हो सकता है। बोर्ड परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा है। यह परीक्षा 4 चरणों में हुई थी, किसी में आसान प्रश्न पत्र तो किसी चरण में आया पेपर काफ़ी कठिन था। इसलिए दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है। स्पष्ट देख सकते हो आप, सामान्यीकरण के बाद जारी होगा रिजल्ट, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों, जिस चरण में कठिन पेपर आया था, उनको राहत देते हुए बोर्ड ने प्रश्न पत्रों का सामान्यीकरण करने का निर्णय लिया है। सामान्यीकरण के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। परीक्षा 11,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी, 7 लाख ने दी थी परीक्षा। दोस्तों, ये भी एक आंकड़ा है कि 7 लाख लोगों ने ये एलडीसी भर्ती परीक्षा दी थी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इस भर्ती की परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई। परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, इनमें से करीब 7 लाख ने परीक्षा दी। पेपर 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर तथा 16 सितंबर को आयोजित हुए थे। इसलिए बोर्ड बरत रहा है सावधानी। भर्ती परीक्षा के 4 चरण होने के कारण बोर्ड परिणाम में पूरी सावधानी बरत रहा है, ताकि बाद में कोई परेशानी खड़ी न हो। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बी एल जटावत ने बताया कि 4 चरणों में परीक्षा होने के कारण प्रश्न पत्रों का सामान्यीकरण करके परिणाम जारी किया जाएगा। इससे अगर कोई पेपर कठिन होगा तो अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा। सामान्यीकरण करने से सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि कई विद्यार्थियों ने आवाज़ भी उठाई थी कि पेपर का सामान्यीकरण होना चाहिए, इसको देखते हुए बोर्ड ने ये डिसीज़न लिया है। तथा दोस्तों, उम्मीद है कि इसी महीने लगभग एलडीसी का रिज़ल्ट आ जाएगा। और कुछ सूत्रों की माने तो ये कोई विश्वसनीय खबर नहीं है कि एलडीसी की आंसर की तथा रिजल्ट दोनों एक साथ जारी होंगे। इस पर कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी तथा बोर्ड का लिया गया निर्णय अंतिम अवसरों मान्य होगा। कुछ सूत्रों से ये खबर आ रही है दोस्तों, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अभी तक तो आंसर की नहीं आई है और बोर्ड बोल रहा है कि इसी महीने हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए एलडीसी से संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं हाथों हाथ आपके सामने पेश करता रहूँगा। तथा एलडीसी की एफिशिएंसी की क्लासेस भी मेरे द्वारा मेरी यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। अतः जो भाई एलडीसी एफिशिएंसी की तैयारी करना चाहता है, वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो इसकी विश्वसनीयता चेक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।